साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीपीएससी 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में होनी है और जो अन्य परीक्षाएं होनी हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग करंट अफेयर देखेंगे या सिल्वर लाइन पब्लिकेशन के द्वारा करंट अफेयर 2022 नाम से जो प्रैक्टिस सेट निकाली गई है, जिसमें 1 मई 2021 से लेकर 15 मई 2022 तक के करंट अफेयर को एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया गया है। और आज की वीडियो में हम लोग इसके 150 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र ने प्रारंभ किया है। दूसरा, हाल ही में किस देश ने बीबीसी वर्ल्ड टीवी को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है चीन ने। T20 क्रिकेट के इतिहास में 14,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस गेल हैं। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में इसका पहला स्थान है। अगला है, लोसार त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? तो ये जो है आपका लद्दाख का है। भारत द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना किस देश में निर्मित किया जाएगा? तो नेपाल में। हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए बचाव अभियान को क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। निम्न से किस मंत्री ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया? तो ये लोकार्पण जो है किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। कौन से पुरस्कार के लिए? एटनी गिलचिट्ज पुरस्कार के लिए। इनमें से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? तो मिनी हार्ट जो है ये ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो 2023 में। भारत में नरेंद्र बत्रा को हाल ही में कौन सी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दूसरी बार चुना गया है। हाल ही में किसने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? उच्च शिक्षा आयोग ने। निम्न से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है? तो ये एडवाइजरी जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी की है। एरोस्पेस स्टार्टअप एक्जियम और किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषित किया है? तो एक्जियम और नासा ने। NHPC लिमिटेड ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत किस राज्य सरकार को कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराए हैं? तो किसको कराए हैं? अरुणाचल प्रदेश सरकार को। रेलवे ने हाल ही में कोलकाता में कितने मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो 800 मीटर सुरंग अभियान को। हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? अमित शाह को। भारत के किस राज्य से GI टैग वाले भालिया गेहूँ की पहली खेप निर्यात की गई है? तो गुजरात की है। और इसको जो है इसकी पहली खेप केन्या और नेपाल को भेजी गई है। निम्न से किस देश ने हाल ही में एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है? तो किसने लगाया है? चीन ने लगाया है। इनमें से किस देश में हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया गया है, मतलब बालू के महल का निर्माण किया गया है? डेनमार्क में। भारत के किस राज्य से अमेरिका और दुबई को भौगोलिक संकेत प्रमाणित GI टैग वाले मदुरै चमेली के फूल का निर्यात किया गया है? तमिलनाडु से। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं? तो ये कहां पर है? ये आपका असम में है। 11 जुलाई को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और इसकी थीम क्या थी? वनली वन अर्थ। लद्दाख के तोशोकर आर्द्र भूमि को देश में कितने नंबर पर रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया? तो ये 42वें नंबर का रामसर स्थल है। तोशोकर एक खारे पानी की झील है और तोशोकर का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद नमक। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार तोशोकर घाटी का एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है किस श्रेणी का? तो A1 श्रेणी का। भारत व बांग्लादेश के संबंध को बेहतर बनाने के लिए तथा आयात व निर्यात को सुगम बनाने के लिए मैत्री सेतु का निर्माण निम्न से किस नदी पर किया गया है? तो इसका निर्माण जो है फेनी नदी पर किया गया है। फेनी पुल निम्न से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये जो है आपका सबरूम व रामगढ़ को जोड़ता है। नए संसद भवन की डिजाइन किस प्रकार की होगी? तो ये जो है त्रिभुजाकार होगी। देश की पहली पूर्णतः स्वचालित चालक रहित मेट्रो रेल मेजेंटा लाइन पर किन दो स्थानों के बीच चलाई जा रही है? जनकपुरी पश्चिम से लेकर बोटानिकल गार्डन दिल्ली में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच किस राज्य में किया गया? तो ये जो है गोवा के पणजी में। हाल ही में केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?
या पेश किया है तो इसका नाम है मत्स्य सेतु। निम्न से किस मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान में चौथे बाघ अभयारण्य के तौर पर रामगढ़ बिसधारी अभयारण्य को मंजूरी दे दी है? तो किसने दिया है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? 169 के तहत, अनुच्छेद 169 के तहत। निम्न से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में निधन हो गया? हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के। दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध का स्थान कौन सा है? परम सिद्ध का स्थान 63वां है। प्रथम गाय अस्पताल का उदाहरण किस राज्य में किया गया है? तो इसका उदाहरण असम में किया गया है। किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो महिला उत्कर्ष योजना जो है गुजरात में प्रारंभ की है। चक्रवाती तूफान निमार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न से कहाँ था? तो बंगाल की खाड़ी में। उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण किस मंत्री ने लॉन्च किया है? रविशंकर प्रसाद ने। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? पंजाब के लुधियाना में। किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? तो ये शुरू किया है तमिलनाडु में। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है? स्वीडन से है। भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य किया है? तो हरे रंग का। नरेंद्र मोदी द्वारा राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? 100 रुपये का सिक्का। रामसर स्थलों की सूची में हाल ही में शामिल कांवर झील कहाँ पर है? तो ये बिहार के बेगूसराय में है। मंजूषा कला शैली को GI टैग मिला है, इसका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका संबंध जो है बिहार के भागलपुर से है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वनीय प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है? कोआला। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट 50 प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी है? तो ये कनाडा में उड़ान भरी है। गांधीज हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद जावेद अकबर। भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई? कर्नाटक में। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय होगा? विजया एवं देना बैंक का। भारत को किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक, मलेरिया उन्मूलन 2030। कौन खिलाड़ी 150 रणजी खेलने वाला क्रिकेटर बना है? वसीम जाफर। विश्व के भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो जयपुर को। किसको घोषित किया गया? जयपुर को घोषित किया गया है। नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। कौन रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणन वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? तो यह है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। पुस्तक गर्ल पावर इंडिया वोमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नेहा जे हीरानंदानी। किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा। नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है? उत्तरी मेसिडोनिया को। ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस प्रजाति के बाल की तस्करी को रोकने के लिए चलाया जा रहा है? तो नेवला के। किस राज्य सरकार द्वारा अपने राजकीय पक्षी को बचाने के लिए ऐप जारी किया गया है? तो बिहार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है। पुस्तक क्रिकेट ड्रोन के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जतिन परांजपे। जनजाति संग्रहालय जो स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित किया गया किस राज्य में बनेगा? तो ये जो है आपका गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में बनेगा। भारत सरकार द्वारा TV समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का है? 2025 तक। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किस राज्य के नाम पर किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील किस राज्य में है? तो कीठम झील जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, किस तूफान ने अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास राज्यों में तबाही मचाई है? तो लॉरा नामक तूफान ने। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह है उत्तराखंड। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 20 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? एलोरा गुफा का। किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारण है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस होने के लिए ई विधान परियोजना पर काम कर रही है? केरल की विधानसभा। किस देश ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाले एक रोबोट विकसित किया है? ईरान ने। किसने विकसित किया है? ईरान ने विकसित किया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने GPS का इस्तेमाल किए बिना पहला रोबोट बनाया है? तो ये पहला रोबोट जो है फ्रांस के द्वारा, किसके? फ्रांस के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है।
वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में प्रवासियों की संख्या अधिक है? तो ये अमेरिका में है। किस नदी के नीचे भारत का पहला 4-लेन सुरंग बनाया जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स, जो देश का पहला स्मारक होगा, कहाँ खोला जाएगा? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ में खोला जाएगा। QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन बिहार किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। चमन परियोजना भारत के किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? तो ये जो है बागवानी क्षेत्र में। किसने कॉफी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया ने लॉन्च किया है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे अटल टनल, जिसे समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? संगीता श्रीवास्तव को। प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुरुआत किया है? तो 5 मार्च 2019 को गुजरात के गांधीनगर के वस्त्रालय में। ठीक है। ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? जी एस लक्ष्मी है। इंदिरा गांधी ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? मध्य प्रदेश ने। देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो रोजगार संगी ऐप जो है ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च किया है। ब्रेग्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य बचे हैं? अब 27 हैं इंग्लैंड के निकलने के बाद। किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा की गई है, यह किसका अध्ययन करेगा? यह सूर्य का अध्ययन करेगा। किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन जो है आपका नई दिल्ली में किया गया। विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है। नोट्स ऑफ अ ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णा तिलोक। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे हैं? तो ये रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री रहे, परंतु गृह मंत्री नहीं रहे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है 33 हैं, कुल 34 न्यायाधीश हैं। किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जो पुरस्कार है वो केजंग डी थोंगडोक ने जीता है। अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? बिहार ने। लेट मी से टू नो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश मारिया। किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने। किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है? मनोज कुमार को। आगे बढ़ते हैं, अगला है, शहर को प्लास्टिक मुक्त रखने के उद्देश्य से किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा को। भारत ने किस देश से पॉम ऑयल आयात बंद करने की घोषणा की है? मलेशिया से। द थिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं धर्मेंद्र राय। हाल ही में फास्टैग चर्चा में रहा, यह किस संबंधित इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम से। डेपसोंग मैदान का संबंध किस राज्य या केंद्र प्रदेश से है? तो इसका संबंध जो है लद्दाख से। बी ऑप्शन। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय एवं पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है आपका गुजरात में स्थापित किया गया है। अगला है, कौन सा भारतीय नोट बाजार में आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखता है? तो 500 का नोट। कौन सा? 500 का नोट। भारतीय रेलवे ने अपने पहले रेस्तरा ऑन व्हील्स रेस्तरा का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका शुभारंभ आसनसोल में किया गया है, आसनसोल। योर बेस्ट डे इज ए टू डे एक बुक जो है किसके द्वारा लिखी? अनुपम खेर के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? JP नड्डा को। वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कुल 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं। जो लेटेस्ट है वो तेलंगाना हाई कोर्ट है। किसे दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई? अभिजीता गुप्ता को। मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? 3 वर्ष की सजा का प्रावधान। कितने? 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बनाया गया है? तो यह बन गया है, ये मैसूर है। अब बकेट ऑफ फ्लावर्स पुस्तक लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। वर्ष 2024 में देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की गई है? 100 नए एयरपोर्ट बनाने की। विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा
केरल के कोच्चि में। किस तरह सरकार ने स्कूलों प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? महाराष्ट्र ने। विश्व का पहला गोल्ड प्लेट होटल किस देश में खोला गया है? वियतनाम में, वियतनाम की राजधानी हनोई में। वर्ष 2020 से पूर्व दूसरी सिंचाई नीति कब लागू की गई थी? 1986 में। 1986 में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है आपका लोथल में। कहाँ पर? लोथल में, गुजरात के लोथल में। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल जो है ये आपका मैरी कॉम की आत्मकथा है। भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? तो ये हरियाणा के झज्जर में। वर्तमान भारत के किस अभ्यारण्य में सुनहरे बाघ मौजूद हैं? तो ये सुनहरे बाघ काजीरंगा असम में मौजूद हैं। भारत का वह राज्य या पहला जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? यह शुरुआत जो है राजस्थान सरकार ने की है। किस पूर्व गवर्नर जनरल को पीसी महालनोबिस पुरस्कार प्रदान किया गया है? सी रंगराजन को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राज को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? इसको 25 लाख कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है और इसकी राशि जो है 25 लाख रुपये कर दी गई है। नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कहाँ किया था? तो बिहार के खगड़िया जिले से। भारत में कॉमिक्सों के किस हीरो को नमाम गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? चाचा चौधरी को। किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने तैयार की है। द लास्ट क्वीन पुस्तक लेखक कौन है? इसके लेखक हैं चित्रा बनर्जी। केमीधातु परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका कावेरी नदी पर है। किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है? कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? आंध्र प्रदेश ने। आगे देखते हैं, किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस निकासी सुविधा की शुरुआत की है? आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, इन दोनों ने। ठीक है, यहाँ पर ए और बी नहीं, बी एंड सी होना चाहिए। अब क्या है, आरबीआई ने जो है सभी बैंकों के लिए सुविधा जारी करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? सुषमा स्वराज भवन। आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म और फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक जो है अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो यह है मैक्सिको। आखिरी प्रश्न, गोगा बिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? ये कहाँ का है? बिहार का है। गोगा बिल बिहार का है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।